हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 है सरलरेखा में गति। इसमें हमने किसी वस्तु की गति में स्थिति के बारे में पढ़ा था, फिर हमने उसके वेग के बारे में पढ़ा, फिर हमने त्वरण के बारे में पढ़ा, हमने उसकी चाल के बारे में पढ़ा। चाल में भी हमने एक समान चाल, परिवर्ती चाल, दार्शनिक चाल इस तरह से पढ़ा। फिर वेग के भी हमने प्रकार पढ़े, त्वरण के भी हमने प्रकार पढ़े कि कैसे एक त्वरण धनात्मक होगा, तो वेग अगर धनात्मक है तो त्वरण धनात्मक होगा, और वेग अगर ऋणात्मक है तो त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक या मंदन का कार्य करेगा, और अगर वेग शून्य है तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आज देखिए हम बात करते हैं आज एक डेरिवेशन भी रहेगा आपका कि एक समान त्वरण से एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु का शुद्ध गति के संबंधी समीकरण एक समान गति से गतिशील वस्तु का शुद्ध गति की गतिक समीकरण। तो हम लिख सकते हैं, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, अब अगर वो एक समान त्वरण से गतिमान है, तो मान लीजिए कोई वस्तु, मैं पहले यहाँ पे था, फिर मैं कुछ समय बाद ए पॉइंट पे गया। मैं मान लिया कि यहाँ पे ए पॉइंट पर, माना कि मैं अभी डूब गया। रुकने के बाद मेरा प्रारंभिक वेग हो जाएगा t=0 सेकंड पे। ठीक है, फिर t समय बाद मैं ए से बी पॉइंट पे जाता हूँ, मेरा वेग कितना हो जाता है, और समय मान लिया है t सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, तो इसमें मेरा कुछ विस्थापन भी होगा, तो विस्थापन मैं मान लेता हूँ कि वो विस्थापन है मेरा ऐसे। तो माना वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, तथा प्रारंभिक वेग u से गतिशील है, t समय पश्चात वह s विस्थापन t सेकंड में तय करती है, तब उसका वेग v है, अंतिम वेग v हो जाता है। तो आपने ये जो तीन गति के समीकरण हैं ये पढ़े होंगे क्लास 9th में, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as, जहाँ पे जो u है ये है अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, u है प्रारंभिक वेग, s है दूरी, अगर इसकी जगह आप ऊंचाई की बात करेंगे तो s हो जाएगी हाइट यानी ऊंचाई। ठीक है, a हो जाएगा त्वरण और t हो जाएगा समय। तो ये 5 राशियाँ होंगी जिनका हम उपयोग करने वाले हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं गति के प्रथम समीकरण के बारे में। सबसे पहले देखिए गति का प्रथम समीकरण, देखिए
इस गति के प्रथम समीकरण की हम बात करते हैं, तो गति के प्रथम समीकरण की बात करने से पहले देखिए यहाँ पे मैं एक एक्स वाई ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक्स और ये वाई हो गया, ठीक है, प्रारंभ भी जीरो है, ठीक है, ये समय प्रदर्शित करता है, ठीक है, और ये वेग प्रदर्शित कर रहा है, वेग, ठीक है। अब मैं ये मान लेता हूँ कि कोई वस्तु यहाँ पे थी, ठीक है, उसके बाद वो कौन उस यहाँ पर, यहाँ तक हम बात करें इस बिंदु तक, उसका वेग, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ गतिमान होती है, ठीक है, तो हम मानते हैं कि उसका वेग यहाँ से यहाँ तक कितना था, u था, कितना था, u था, फिर उसके बाद इस बिंदु से वो चलना प्रारंभ करती है और यहाँ तक पहुँचती है, तो यहाँ तक आप बात करोगे, यहाँ तक इस बिंदु का वेग कितना हो जाएगा, यहाँ तक इस बिंदु का वेग हो जाएगा पूरा का पूरा v, मतलब कोई वस्तु यहाँ से यहाँ इस दूरी तक तो विराम अवस्था में थी, इसलिए हमने इसका वेग मान लिया u, ठीक है, और उसके बाद फिर जब यहाँ से उसने गति करना स्टार्ट करा तो उसका वेग कितना हो गया, v हो गया, ठीक है। अब ऐसे अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींचता हूँ एक्सिस के समांतर, और इस पॉइंट को मैं बी मान लूँ और इसको मैं इस तरह से मिला देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया, ये समय है टी, टी समय हो गया, ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए सी, और ये आपका हो गया ए बिंदु, मान लीजिए इसके साथ कोण बना रहा है कितना, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है, तो अब देखिए, तो आप कह सकते हैं कि ये जो वेग समय ग्राफ है, वेग समय ग्राफ का जो ढाल है, वेग समय ग्राफ का जो ढाल है, मतलब ये जो ढाल है, ठीक है, टेन थीटा, ये किसको प्रदर्शित करेगा, ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है, त्वरण को प्रदर्शित करता है, तो हम इससे आप त्वरण ए की बात करेंगे, तो ये थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया आपका कर्ण, सामने वाली भुजा लंब है, तो टेन थीटा बराबर लंब हम जानते हैं बीसी हो गया, आधार कितना हो गया, एसी हो गया, ठीक है, तो आप बात करेंगे बीसी की, तो बीसी की आप बात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो बीडी है ये कितना है, वी, और बी और सीडी कितना है, ये कितना है, यू, और ये कितना है, पी, तो ये कितनी जाएगी, पी माइनस यू, बटे एसी, एसी किसके बराबर है, जीरो से टी, मतलब टी के, टी माइनस जीरो मतलब टी, तो वी माइनस यू बटे टी, अब ए बराबर क्या हो गया, वी माइनस यू बटे टी, इस ए को इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, वी माइनस यू बराबर ए टी, इस यू को इधर भेजिए तो यू प्लस ए टी, यही होगा आपका गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, इसको तो मैं लिख देता हूँ, आगे हम बात कर रहे हैं गति के द्वितीय समीकरण के बारे में, अब गति का द्वितीय समीकरण निकालने के लिए हमको चली गई दूरी निकालनी है, क्योंकि ये जो सूत्र होता है ये होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे s जो होती है वो दूरी होती है, इसलिए हमें दूरी निकालनी है, तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी किसे निकालेंगे, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल, वेग समय वक्र के क्षेत्रफल से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे इसकी दूरी, अब वेग समय वक्र का जो क्षेत्रफल है वो कौन सा हो जाएगा, ओ ए पी डी, इसका क्षेत्रफल, तो आप कह सकते हैं कि एस बराबर ओ ए बी डी का क्षेत्रफल, ठीक है, अब ओ ए बी डी का जो क्षेत्रफल है वो दो जगह डिवाइड है, एक तो त्रिभुज है और एक आयत है, तो एक तो हम बात कर सकते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस आयत जो है
ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। अब आप देखिए यहाँ पे आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, चतुर्भुज या आयत का जो क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज के लिए हम 1/2 आधार कितना है, ए बी के लिए आधार है ए सी और ऊंचाई बी सी प्लस ओ ए सी डी आयत का क्षेत्रफल, लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई ले लीजिए आप ए सी और चौड़ाई है सी डी। अब एस बराबर हाफ ए सी जो है, आप ए सी कितना बताएंगे, ए सी जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, मतलब टी बी सी की बात करें तो ये बी सी है, बी सी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, बी सी जो हो जाएगा वो बी में से यू जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस ए सी की बात, ए सी वही टी हो जाएगा और सी डी की आप बात करेंगे सी डी कितना है यू, तो ये हो गया एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी मल्टीप्लाई बी माइनस यू। अब देखिए यहाँ से इस वाले समीकरण से देखिए वी माइनस यू किसके बराबर है, ए टी के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं जहां v बराबर u प्लस ए टी था और v माइनस यू बराबर ए टी है। तो ये आपका जो हो गया, ये हो गया आपका गति का तृतीय समीकरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं गति के तृतीय समीकरण के बारे में। तो गति का तृतीय समीकरण देखिए, गति का तृतीय समीकरण निकालने के लिए हमें वही है चली गई जो दूरी है, मतलब जो s है वो किसके बराबर है, एक तो हम बात करेंगे o o a b d इस समलंब, ये एक समलंब है ओ ए बी डी समलंब का क्षेत्रफल, और आप जानते हैं समलंब का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा लंबवत दूरी। तो देखिए यहाँ पे ओ ए बी डी, मतलब आप बात पहले तो देखिए इसमें हाफ आधा मल्टीप्लाई होगा और लंबवत भुजाएं, तो देखिए यहाँ पे जो लंबवत भुजाएं हैं वो कौन कौन सी है, वो सॉरी समांतर भुजाएं, तो ओ ए किसके समांतर है, इस बी डी के समांतर है, तो ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई आप देखिए लंबवत भुजा, तो इसमें लंबवत भुजा कौन सी है, देखिए यहाँ पे सॉरी लंबवत भुजा की दूरी निकालनी है, तो इन दोनों लंबवत भुजा के बीच की दूरी कितनी है, एसी है, एसी भाई लंबवत भुजा के बीच की दूरी एसी हो जाएगी। ठीक है, ये एसी लंबवत भुजा के बीच की दूरी है, ये दोनों लंबवत या समांतर भुजाएं हैं, तो समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई इनके बीच की दूरी। अब ओए की बात करो, ओए कितना है यू प्लस बी डी कितना हो जाएगा V मल्टीप्लाई ए सी की बात करें कितना हो जाएगा T। अब यदि हम बात करें V बी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है V बराबर कितना होता है यू प्लस ए टी, तो ऐसे T की वैल्यू निकालेंगे तो V माइनस यू अपॉन A इज इक्वल्स टू टी। तो देखिए यहाँ से इसको उठा के रखिए यहाँ पे,
टी की जगह आप ये वाली वैल्यू रखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब ये इस तरह से बन सकता है आपका, इस टू ए को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया आपके पास में, और इस यू स्क्वायर को इधर भेजिए तो ये हो गया आपका गतिगत अंतर समीकरण। तो इस तरह से हमने तीनों समीकरणों को निकाल लिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने तीनों समीकरणों को ज्ञात कर लिया है। थोड़ा सा उतार लीजिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।